फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो आप लोग फॉर्म ऑनलाइन आवेदन किए थे तो उसका जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करेंगे, कब से आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, उस लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चले लेके चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आ चुका अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पे देख सकते हैं एसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं यहाँ पे ओपन कर रखा हूँ। ओके, आपको भी इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। ओके, डायरेक्टली वहाँ पे जाके आप लोग क्लिक करेंगे उस लिंक पे तो आप लोग इस वेबसाइट पे डायरेक्ट इन कर जाएंगे। इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपको किस तरह से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, जो कि एसएससी एमटीएस का मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो एडमिट कार्ड जारी किया गया, उस एडमिट कार्ड को किस तरह से डाउनलोड करेंगे वो मैं आप लोग को इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चलिए डायरेक्ट आपको नीचे आना है और यहाँ पे देखेंगे फिर सबको लिखा मिलेगा व्यू ऑल पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एमटीएस इस पे क्लिक करना है, एमटीएस वाले पे। ओके, और यहाँ पे देखेंगे फिर सबको लिखा मिलेगा, देख सकते हैं नोटिफिकेशन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार। तो सिंपली से आपको इस पे क्लिक करना है। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार। ओके, तो किस तरह से आपको क्या करना है मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे देखें रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, तो रोल नंबर आपके पास तो अभी नहीं होगा। ओके, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे और यहाँ पे कैंडिडेट नेम और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और यहाँ पे जो ये कैप्चा दिया गया है जोड़ के यहाँ पे 6 और 5 कितना होता है यहाँ पे जोड़ के लिख देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपका जो स्टेटस होगा एडमिट कार्ड का वो शो हो जाएगा। उसी में आपको बताया जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा, किस जोन में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, किस डिस्ट्रिक्ट में आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, वो सारा चीज़ वहाँ पे दिखाई देगा और किस डेट में आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा वो सारा चीज़ वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस में आप लोग जो है एसएससी एमटीएस का जो एडमिट कार्ड जारी किया गया इस प्रोसेस में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।